يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم تلؤها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإنا من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قالا تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلا ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العلي العظيم سورہ صافات 51 نمبر کی آیتوں تک گفتگو ہوئی تھی اور 51 کے بعد
52 नंबर की आयत से आज तिलावत की है आपकी खिदमत में। ये जो शुरू की यानी 51 से पहले की आयतें थी, जिसमें परवरदिगार आलम ने जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है, और मैंने आपसे वादा किया था कि 10 पॉइंट हैं, अगर वक्त रहा तो बयान करूंगा, और उस दिन बयान नहीं कर सका था, वक्त पूरा हो गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वक्त है अपने पास, क्योंकि आज अकबर साहब भी नहीं हैं, तो इस वजह से वो 10 पॉइंट जो जन्नत की नेमतों से मुताल्लिक हैं वो आपकी खिदमत में बयान कर दिए जाएंगे। इससे पहले तर्जुमे में बयान हुआ था कि तुम्हें तुम्हारे आमाल के मुताबिक ही बदला दिया जाएगा। अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, बंदों के यहाँ ज़्यादती या कमी हो सकती है, किसी ने कुछ ज़्यादा किया हो सज़ा उससे कम मिले, किसी ने कुछ ना किया हो सज़ा उससे ज़्यादा मिल जाए। बंदों के यहाँ कमी ज़्यादती हो सकती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ किसी किस्म की कोई कमी या ज़्यादती का कोई तसव्वुर नहीं है। अल्लाह अलावा अल्लाह के मुखलिस बंदों के कि उनके लिए मुअय्यन रिज़्क है, यानी ये जितने भी जहन्नम के अज़ाब का जिक्र हुआ था, और फिर ये अल्लाह ने कहा कि देखो सबको उनके आमाल के मुताबिक बदला मिलेगा, अलावा अल्लाह के मुखलिस बंदों के कि उनके लिए मुअय्यन रिज़्क है। तो इसी रिज़्क के सिलसिले में 10 पॉइंट थे, ये मुअय्यन रिज़्क क्या है। उसमें अल्लाह ने अगर जिसकी तफसील भी बयान की है कि मेवे हैं, बाइज्जत तरीके से रहेंगे, शराब का दौर चल रहा होगा, सफ़ेद रंग की शराब जिसमें पीने वाले को लुत्फ आएगा, उसमें ना कोई दर्द सर होगा, न होश हवास गुम होंगे, न चक्कर आएगा, न ज़मीन पे गिरेगा, न ओल फोल बकेगा, न एक दूसरे को गाली देगा, ये वहाँ के शराब की खासियत होगी जन्नत के। उसमें ना कोई दर्द सर होगा, न होश हवास गुम होंगे, उनके पास महदूद नज़र रखने वाली कुशादा बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरे होंगी, जिनका रंग और रोगन ऐसा होगा जैसे छुपाए हुए अंडे रखे हों। फिर एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल करेंगे तो उनमें का एक कहेगा कि दारे दुनिया में हमारा एक साथी भी था। अब यहाँ के ऊपर ये जो मुखलिसीन की सिफतें बयान की उनको बयान कर दूँ। मुजरमीन के दरमियान इबाद मुखलिसीन का जिक्र, यानी शुरू में अल्लाह ने इसमें मुजरिमों का तस्करा किया है कि जो लोग मुजरिम होंगे उनको क्या क्या सज़ाएँ दी जाएंगी, क्या क्या सज़ाएँ मिलेंगी, और एकदम से आ गया मुखलिसीन के ऊपर उस सारी मुजरिमों की गुफ्तगू और बातें करते करते एकदम से आ गया मुखलिसीन का जिक्र। तो मुखलिसीन का जिक्र इस्तिस्ना मुनक़ता के तौर पर हुआ है, और इनके बारे में जिन नेमतों का जिक्र किया गया है वो बेमिसलो नज़ीर नेमतें हैं, जिनका ख़ुलासा ये है कि जो अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं, मुखलिस का मतलब अल्लाह के लिए खालिस। देखिए हमारा हाल क्या होता है, हम करने तो खुलूस में बैठते हैं लेकिन वो खुलूस रह नहीं पाता आखिर तक। अभी हम कुरान खुलूस के साथ पढ़ने बैठे लेकिन ये खुलूस कायम नहीं रह पाता है। नमाज बड़े खुलूस के साथ मस्जिद में आए और खुलूस के साथ नमाज के लिए खड़े हुए, लेकिन ये नमाज आखिर तक खालिस रह नहीं पाती है। माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा हम बड़े खुलूस के साथ शुरू करते हैं, खुलूस रखते हैं, लेकिन ये रोज़ा भी खालिस रह नहीं पाता है। हम हज के लिए बड़े खुलूस के साथ जाते हैं लेकिन हमारा हज भी खालिस रह नहीं पाता है। कहीं ना कहीं से कोई खराबी, बुराई, रियाकारी, दिखावा, किसी की अजियत, किसी को अजियत, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। कोई तारीफ का पहलू, कहीं से कुछ नहीं दुनिया की लालच, कहीं से कुछ नहीं आया तो बरकत का तसव्वुर आ गया कि चलो ये काम करेंगे तो बरकत होगी,
इसका मतलब ही यह है कि हमने ये काम बरकत के लिए किया, अल्लाह की रजा के लिए नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हैं कि नहीं है। तो अब यहां के ऊपर ये जो नेमतें हैं ये मुखलसीन के लिए हैं, किस जो खालिस होंगे। जैसा कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में एक जगह फरमाया कि माबूद मैं तेरी इबादत ना तो जन्नत की लालच में करता हूं ना जहन्नम के खौफ से, मैं तेरी इबादत ना तो जन्नत की लालच में और ना जहन्नम के डर से, बल्कि तुझे लायक इबादत पाया तो मैंने इबादत की। यह है खालिस इबादत, यह है खालिस इबादत। तो ये जो मुखलिस लोग होंगे इन मुखलिसों को क्या मिलेगा? ताज़ा मेवे दिए जाएंगे, इज्जत व एहतराम के साथ रखा जाएगा, वो नेमतों से भरे हुए बागात में रहेंगे, वो सब आपस में आमने सामने तख्त पर बैठे होंगे और कोई तन्हाई की वहशत से दोचार ना होगा। उनके गिर्द शराब के दौर चल रहे होंगे, उनकी शराब साफ शफाफ और लज्जतों की हामिल होगी, उनकी शराब में दर्द सर का कोई तासुर ना होगा और ना दीवानगी और मदहोशी। उनके गिर्द ऐसी हूरें होंगी जिनकी निगाहें उनके शौहरों तक महदूद होंगी और नामहरमों पर निगाह करने से आशना ना होंगी। अगर जिस हूर को जिसके लिए खल्क किया गया है वह उसी पे वो निगाह रखेगी, उसके अलावा किसी को नहीं ताकेगी। उन हूरों में कुशादा चश्मी, बड़ी बड़ी आंख वाली और महदूदियत भी नजर, महदूदियत नजर भी। उनके रुखसारों का रंग और रोगन ऐसा होगा जैसे अंडे छुपाकर रखे गए होंगे। वाजे रहे कि जन्नतुल फिरदौस में अगर मर्दों के लिए पोशीदा अंडों जैसी हूरें होंगी तो औरतों के लिए बिखरे हुए मोतियों जैसे गिलमान होंगे। और इस तरह कोई साहिब किरदार नेमते जन्नत से महरूम न रहेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। अब यहां से आज जो मैंने तर्जुमा किया है कि वो कहा करता था, क्या तुम भी कयामत की तस्दीक करने वालों में हो? क्या जब मरकर मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो हमें हमारे आमाल का बदला दिया जाएगा? क्या तुम लोग भी उसे देखोगे? ये कहकर निगाह डाली तो उसे बीच जहन्नम में देखा। कहा कि खुदा की कसम करीब था कि तू मुझे भी हलाक कर देता और मेरे परवरदिगार का एहसान ना होता तो मैं भी यही एहसान ना होता तो मैं भी यही हाजिर कर दिया जाता। क्या यह सही नहीं है कि हम अब मरने वाले नहीं हैं सिवाय पहली मौत के, और हम पर अजाब होने वाला भी नहीं है? यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसी दिन के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। जरा बताओ कि ये नेमतें मेहमानी के वास्ते बेहतर हैं या थूहड़ का दरख्त जिसे हमने जालिमीन की आजमाइश के लिए करार दिया है? ये एक दरख्त है जो जहन्नम की तह से निकलता है, उसके फल ऐसे बदनुमा हैं जैसे शैतानों के सर, मगर ये जहन्नमी उसी को खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर इनके पीने के लिए गर्मा गर्म पानी होगा जिसमें पीप वगैरह की आजमाइश होगी। फिर इन सब का आखिरी अंजाम जहन्नम होगा। इन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया था तो उन्हीं के नक्श कदम पर भागते चले गए, और यकीनन इनसे पहले बुजुर्गों की एक बड़ी जमात गुमराह हो चुकी है और हमने इनके दरमियान डराने वाले पैगंबर भेजे। तो अब देखो कि जिन्हें डराया जाता है उनके न मानने का अंजाम क्या होता है। यहां पे बात खत्म हुई कि हमने इतने नबी भेजे, इतने रसूल भेजे, इनके बाबा दादा को डराया, अब इनको डरा रहे हैं, लेकिन ना इनके बाबा दादा डरे ना ये डरे, और वही गुमराही वाली बातें करते रहे, और इन सब के लिए हमने ये अजाब तैयार कर रखा है, इन सब के लिए ये अजाब तैयार कर रखा है। तो और यकीनन इनसे पहले बुजुर्गों की एक बड़ी जमात गुमराह हो चुकी है और हमने इनके दरमियान डराने वाले पैगंबर भेजे। तो अब देखो
कि जिन्हें डराया जाता है उनके न मानने का अंजाम क्या होता है, अलावा उन लोगों के जो अल्लाह के मुखलिस बंदे होते हैं। और यकीनन नूह ने हमको आवाज़ दी तो हम बेहतरीन कबूल करने वाले हैं, और हमने उन्हें और उनके अहल को बहुत बड़े कर्ब से नजात दे दी। ये एक बेहतरीन तमसील है दो अफराद की, यानी यहाँ के ऊपर ये कोई सामने की बात नहीं है, एक अल्लाह ने मिसाल के तौर पर दोनों लोगों को पेश किया है, एक जहन्नुमी लोगों को दूसरे जन्नती लोगों को। और यहाँ के ऊपर ये मिसाल के तौर पर पेश करने के बाद एक खुद ऐसा पेश किया है कि जैसे बिल्कुल हुआ हो या हो रहा है, इस तरीके से अल्लाह ने इन दोनों को पेश किया है, इन दोनों का तस्करा किया है, एक जन्नती करो और एक जहन्नमी करो। ये एक बेहतरीन तमसील है दो अफराद की जो दारे दुनिया में एक साथ जिंदगी गुजारते हैं, होता है कि नहीं होता, एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, एक सही रास्ते पर चला जाता है एक गुमराह हो जाता है। ये जो सही रास्ते पर जाता है इसको क्या मिलेगा, ये जो गुमराह हुआ इसको क्या मिलेगा। एक मोमिन होता है एक काफिर का मिजाज ये होता है, एक काफिर का मिजाज ये होता है कि वो मोमिन का मजाक उड़ाए। मोमिन काफिर का इतना मजाक नहीं उड़ाता जितना काफिर मोमिन का मजाक उड़ाता है। देखो पता नहीं किस जमाने की बात कर रहे हैं, कहां चले गए, कभी हमारे आबा अजदाद ने ये काम नहीं किया जो काम ये कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें ऐसे ऐसे ताने मोमिन को दिया। एक मोमिन होता और एक काफिर, काफिर का मिजाज ये होता है कि मोमिन का मजाक उड़ाए, और मोमिन का मिजाज ये होता है कि वो उन हालात पर सब्र करे। कयामत के दिन सूरत हाल का नक्शा ये होगा, बहुत तवज्जो रहे, कयामत के दिन सूरत दुनिया में क्या कर रहे थे, काफिर मोमिन का मजाक उड़ा रहा था, मोमिन सब्र कर रहा था। कयामत के दिन सूरत हाल का नक्शा ये होगा कि मोमिन अपने साथी को तलाश करेगा तो दूर से जहन्नम के दरमियान नजर आएगा। ये मोमिन, क्योंकि मोमिन को दर्द होता है, काफिर को दर्द नहीं होता है, मोमिन को दर्द होता है। काफिर और मोमिन की बात हो रही, शियों की नहीं बात हो रही, वो अलग चैप्टर है। शियों का जो मजाक उड़ा, एक शिया होके शिया का मजाक उड़ा, वो अलग चैप्टर है। यहाँ के ऊपर काफिर और मोमिन की बात हो रही है, अगरचे शायद ये जो शिया होके शिया का मजाक उड़ा रहा है शायद ये भी उसी जुमरे में आ जाए। खाली शिया कह देने से कोई शिया नहीं हो जाता है कि हम शिया हैं, खाली मोमिन कह देने से कोई मोमिन नहीं हो जाता है। तो अब यहाँ के ऊपर काफिर कयामत के दिन मोमिन को नहीं ढूंढेगा, लेकिन मोमिन उस गुमराह शख्स को ढूंढेगा कि ये जो हमारा मजाक उड़ाया करता था वो कहां है। हाँ, तो मोमिन अपने साथी को तलाश करेगा तो दूर से जहन्नम के दरमियान नजर आएगा, तो पुकार कर कहेगा कि हम तुम्हारी बातों में आ जाते तो हम भी तुम्हारी जगह होते, हम भी हलाक हो जाते, और अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि हमारी बात बिल्कुल सही निकली, हम दुनिया में तुमको समझा रहे थे, दुनिया में तुमको बता रहे थे, लेकिन तुम दुनिया में समझने और मानने के लिए तैयार नहीं थे। देखो आज बिल्कुल जो कुछ मैंने कहा था वो सब कुछ सही साबित हो रहा है, लेकिन तुमने कल हमारी बात की कद्र नहीं की और आज इस अंजाम को पहुंच गए। काश ये एहसास कल ही हो गया होता और ये दिन देखने में ना आते कि अब रहने के लिए जहन्नम है, खाने के लिए जक्कूम। जक्कूम एक दरख्त है जिसका सर, उसमें कुरान मजीद बता रहा है कि हैवान के सर की तरीके, जिसका फल हैवान के सर की तरीके से, और पीने के लिए खून और पीप और गर्म पानी, अलायाज़ु बिल्लाह। इस मंजर से यह बात वाज़ह हो जाती है कि साहेब ईमान की सोहबत काफिर हक काफिर के हक में किसी कदर भी मुफीद नहीं, जब तक कि वो खुद उसके दरमियान ईमान और किरदार में शरीक ना हो जाए। यानी कोई मोमिन के साथ काफिर रहने
किसी काफिर के मोमिन के साथ रहने से उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तक कि वो खुद दायरे ईमान में ना आ जाए, वरना सोहबत हसरत बन सकती है, आकिबत नहीं बन सकती। और अब यहां से जनाब नूह का तस्करा है कि जनाब नूह ने जब हालात खराब हुए और तूफान आया तो अल्लाह ने जनाब नूह ने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने कैसे जनाब नूह की उन हालात में मदद की, और हमने उनकी औलाद ही को बाकी रहने वालों में करार दिया और उनके तस्करे को आने वाली नस्लों में बरकरार रखा। सारी खुदाई में नूह पर हमारा सलाम। हम इसी तरह नेक अमल करने वालों को जजा देते हैं, वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे। फिर हमने बाकी सबको गर्क कर दिया और यकीनन नूह ही के पैरोकारों में से इब्राहिम भी थे। जनाब इब्राहिम एक साहिब शरीयत दूसरे साहिब शरीयत के पैरोकारों में होता है। जब तक जनाब नूह के बाद, क्योंकि जनाब इब्राहिम की शरीयत है, तो अब इब्राहिम तक सब किसकी पैरवी करेंगे? नूह की। इब्राहिम और जनाब के बाद जनाब मूसा की शरीयत है, तो जनाब मूसा तक सब किसकी पैरवी करेंगे? जनाब इब्राहिम की। जनाब मूसा से ईसा तक किसकी है? जनाब मूसा की। तो अब सबकी किसकी पैरवी करेंगे? जनाब मूसा की। अब जनाब ईसा से रसूलुल्लाह तक किसकी शरीयत? जनाब ईसा की। तो अब किसकी पैरवी करेंगे? ईसा की। अब जनाब ईसा के बाद किसकी शरीयत? रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी है? नहीं है। अब जितने भी अफराद हैं सबको पैरवी करनी है रसूलुल्लाह की। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब वो नूह वाले हों, इब्राहिम वाले हों, मूसा वाले हों, ईसा वाले हों, कोई भी हो, अगर वो अपने को इलाही मजहब का बताता है कि हमारा मजहब आसमानी है, तो उसके लिए वाजिब है कि रसूलुल्लाह की पैरवी करे और रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान लाए। सारी खुदाई में नूह पर हमारा सलाम। हम इसी तरह नेक अमल करने वालों को जजा देते हैं, वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे। फिर हमने बाकी सबको गर्क कर दिया और यकीनन नूह ही के पैरोकारों में से इब्राहिम भी थे। जब अब यहां के ऊपर पैरोकार के लिए शिया का लफ्ज आया है, कुरान मजीद में कहीं के ऊपर सुन्नी नहीं है, शिया है। ये कोई इख्तलाफी बात नहीं पढ़ रहा हूं, कोई किसी मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन कुरान मजीद में बाकायदा शिया का लफ्ज आया है और जनाब इब्राहिम के लिए है कि इब्राहिम नूह के शियों में से थे। इब्राहिम कौन थे? नूह के शियों में से। जैसे हम कौन है? अली के शियों में से। तो बस ऐसे ही जनाब इब्राहिम कौन थे? नूह के शियों में से। तो थोड़ा शिया के बारे में बता दें, आज विलादत की शब भी है। लफ्ज शिया नेक किरदार अफराद के लिए एक कुरानी इस्तिलाह है, यानी कुरान ने यह लफ्ज दिया है, कुरान ने यह नाम दिया है और यह इस्तेमाल हुआ है नेक किरदार अफराद के लिए। जो नेक किरदार अफराद होते हैं उनको कहा जाता है। ये मसलन नूह के शिया हैं, ये इब्राहिम के शिया हैं, ये मूसा के शिया हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए जनाब इब्राहिम को भी उनके इत्तेबा की बुनियाद पर, उनकी पैरवी की बुनियाद पर जनाब नूह के शियों में से करार दिया गया है, जबकि बाज मुफस्सरीन के मुताबिक दोनों के दरमियान 2640 साल का फर्क है। जनाब नूह से लेके जनाब इब्राहिम तक कितना है फर्क? 2640 साल। अगरचे ये बातें इतिहास से पहले की हैं, ये बातें इतिहास से पहले की हैं, ये एक अंदाजे के मुताबिक है, वरना कोई यकीन से नहीं कह सकता है कि हां बस यही है। इतना फासला, तो अगर इस तवील फासले के बाद जनाब इब्राहिम जनाब नूह के शियों में शुमार हो सकते हैं, तो इत्तबा और पैरवी की बिना पर आज के मोमिनीन शिये अली क्यों नहीं हो सकते? अगर 2500 साल के बाद इब्राहिम नूह के शियों में हो सकते हैं,
तो 1400 साल के बाद हम अली के शियों में क्यों नहीं हो सकते? तो इत्तबा और पैरवी की बिना पर आज मोमिनीन शी अली क्यों नहीं हो सकते, जिनके बारे में खुद पैगंबर इस्लाम ने बशारत दी है, या अली तुम और तुम्हारे शिया ही कामयाब हैं। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब यकीनन नूह ही के पैरोकारों में से इब्राहिम भी थे, जब अल्लाह की बारगाह में कल्ब सलीम के साथ हाजिर हुए, कौन? जनाब इब्राहिम। कल्ब सलीम, ये कल्ब सलीम क्या है? कल्ब सलीम का मतलब बिल्कुल पाक कल्ब, जहां ना शिर्क है, ना कुफ्र है, ना निफाक है, ना हसद है, ना कीना है, ना रिया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। उस दिल को कहा जाता है कल्बे सलीम, यानी सालिम, पाक, सही कल्ब। जब अल्लाह की बारगाह में कल्ब सलीम के साथ हाजिर हुए, जब अपने मुरब्बी बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम लोग किसकी इबादत कर रहे हो, जनाब इब्राहिम ने जब आंख खोली तो जनाब इब्राहिम के चचा थे आजर और वो बुत परस्त थे, तो उनको देखा तो उनको देख के सवाल किया, ये क्या कर रहे हो? जनाब इब्राहिम बचपन में छोटे से का किसकी इबादत कर रहे हो? क्या खुदा को छोड़कर इन खुद साख्ता अपने बनाए हुए खुदाओं के तलबगार बन गए हो? तो फिर रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर ये तुम्हारा खुदा है तो फिर आलमीन का खुदा कौन है? ये तो तुमने बनाया इसको, आलमीन को किसने बनाया? आलमीन के खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर इब्राहिम ने सितारों में दिक्कत की और कहा कि मैं बीमार हूं। अब इब्राहिम ने सितारों में दिक्कत से नजर से काम लिया और कहा कि मैं बीमार हूं, तो वो लोग मुंह फेर कर चले गए और इब्राहिम ने उनके खुदाओं की तरफ रुख करके कहा कि तुम लोग कुछ खाते क्यों नहीं हो? अब यहां के ऊपर बीमार के लिए सकीम का लफ्ज आया है, इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर दो कि सितारों की तरफ रुख किया और कहा मैं बीमार हूं। बाज मुहद्दिसीन और मुफस्सरीन ने इस लफ्ज सकीम की बुनियाद पर जनाब इब्राहिम को झूठा करार दिया, अलयाज़ु बिल्ला। बाज मुसलमानों के यहां बड़ी अजीब अजीब रवायतें बयान हुई हैं। हकीकत यही है कि दुश्मनों को जो इस्लाम के ऊपर उंगली उठाने का मौका मिला है या मिल रहा है, वो कुछ यही उल्टी सीधी रवायतें हैं जो खुद मुसलमानों की किताबों में हैं, और इन्हीं किताबों को बहाना बना के दुश्मना ने इस्लाम हमारे ऊपर यानी इस्लाम के ऊपर अटैक करते हैं कि तुम्हारे रसूल तो ऐसे थे, तुम्हारे रसूल तो वैसे थे। तो इब्राहिम को, हालांकि ये खुद सब बड़ा झूठ है, खुदा जिसको सिद्दीक करार दे वो झूठ नहीं बोल सकता। जनाब इब्राहिम के लिए सिद्दीकन नबिया का लफ्ज आया है कि इब्राहिम हमारे सच्चे बंदों में से। हकीकत यह है कि जनाब इब्राहिम मकाम तबलीग में थे और उन्होंने बुतों की खुदाई का इनकार कर दिया, तो सितारों की खुदाई पर गौर किया और अपने को बीमार करार दे दिया कि मैं अभी गौर और फिक्र की मंजिल में हूं, जिस तरह एक आम इंसान तशकीक की मंजिल में होता है, ताकि इस तरह उन लोगों को उन जिहालत की तरफ मुतवज्जे कर सकें और अपने पास से हटाकर बुतों का खात्मा कर सकें। चुनांचे इस वजह से जनाब इब्राहिम ने सितारों की तरफ देखा और कहा कि अगर मेरा रब मेरी मदद ना करता तो मैं भी शायद गुमराहों में से होता। सही है कि हिदायत अल्लाह ही की तरफ से होती है। और इब्राहिम ने उनके खुदाओं की तरफ रुख करके कहा कि तुम लोग कुछ खाते क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या हो गया कि बोलते भी नहीं हो? फिर उनकी मरम्मत की तरफ मुतवज्जे हो गए, क्योंकि जनाब इब्राहिम से जब उन लोगों ने कहा कि आप भी चलिए हमारे साथ, तो उनका कि नहीं नहीं मैं, हमारी कुछ तबीयत हमारी सही नहीं है। उसी को मुसलमानों ने बाज तफसीरों में बहाना बनाया कि नहीं जनाब इब्राहिम ने गलत बोला है, जबकि जनाब इब्राहिम जैसा नबी गलत नहीं बोल सकता है।
और ये तो मौका चाहते थे जनाब इब्राहिम, सही बात है कि जनाब इब्राहिम को मौका चाहिए था कि ये खाली मिल जाए तो फिर वो करें काम अपना। चुनांचे तो लोग और इब्राहिम ने उनके खुदाओं की तरफ रुख कर कहा, तुम लोग कुछ खाते क्यों नहीं। जनाब इब्राहिम जब बुत कदे में गए हैं बुतों को तोड़ने के लिए, तो उनके सामने बड़े अच्छे अच्छे खाने रखे, लो खाओ। पहले इस बुत के सामने ले जाते थे, खाओ कुछ खाओ, लो तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा खाना लेकर आए, फल लेकर आए, हलवा लेकर आए, खाओ। अब जाहिर सी बात है, तो इब्राहिम ने कहा कि रुक कर गया, तुम कुछ खाते क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या हो गया है, बोलते क्यों नहीं, बात तो करो कुछ। तो उनको कहा कि बोलो कुछ बुतों से, बात क्यों नहीं कर रहे हो। फिर उनकी मरम्मत की तरफ मुतवज्जे हो गए। मरम्मत तो समझते हैं ना, किसी की मरम्मत की जाती कि नहीं। जैसे इमारतों की मरम्मत होती है, ऐसे इंसानों की मरम्मत भी होती है। अब पता नहीं यहां बोला जाता है कि नहीं बोला, हमारे यहां कहते हैं आज फला ने फला की मरम्मत कर दी, आज फला ने फला की मरम्मत कर दी। यहां कहते हैं क्या बोलते हैं, ताड़िया तोड़ी नाखो। तो वो उसने जो है फिर उनकी मरम्मत की तरफ मुतवज्जे हो गए। तो वो लोग दौड़ते हुए इब्राहिम के पास आए, तो इब्राहिम ने कहा क्या तुम लोग अपने हाथों के तराशीदा बुतों की परस्तिश करते हो, यानी खुद अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को पूछते हो, जबकि खुदा ने तुम्हें और उनको सभी को पैदा किया है। यानी ये पत्थर भी खुदा ही के पैदा किए हुए हैं जिनसे तुमने अपने खुदा बनाए हैं, ना ये कि खुदा ही ने बुतसाजी का काम अंजाम दिया है। और उन लोगों ने, जबकि खुदा ने तुम्हें और इनको सभी को पैदा किया है, उन लोगों ने कहा कि एक इमारत बनाकर आग जलाकर इन्हें आग में डाल दो जनाब इब्राहिम के लिए। उन लोगों ने एक चाल चलना चाही, लेकिन हमने उन्हें पस्त और जलील कर दिया, यानी जनाब इब्राहिम को बचा लिया, उनको जलील कर दिया। और इब्राहिम ने कहा कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जा रहा हूं कि वो मेरी हिदायत करेगा। परवरदिगार, अब जनाब इब्राहिम जब बच गए और आग से बाहर निकले, तो जनाब इब्राहिम ने एक दुआ की। वो दुआ क्या थी, परवरदिगार मुझे एक सालेह फर्जंद अता फरमा, एक अच्छा सा बेटा दे दे मुझे। फिर हमने उन्हें एक नेक दिल फर्जंद अता की बशारत दी कि तुम्हारे यहां बेटा होने वाला है। फिर जब वो फर्जंद उनके साथ दौड़ धूप करने के काबिल हो गया, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं, अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फर्जंद ने जवाब दिया कि बाबा जो आपको हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर जब दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, और हमने आवाज दी कि ए इब्राहिम तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, मकसद मेरा यह नहीं था कि तुम अपने हाथों से अपने बेटे को ज़बह करो, हमें तो तुम्हारा दिल देखना था, हमें तो तुम्हारा इम्तिहान लेना था, हमारे तो तुम्हारी इताअत का जज्बा तुम्हारे अंदर जो है वो देखना था। बेशक ये बड़ा खुला हुआ इम्तिहान है, और हमने इसका बदला एक अजीम कुर्बानी को करार दे दिया है, और इसका तस्करा आखिरी दौर तक बाकी रखा है, यानी ये कुर्बानी हमेशा बाकी रहेगी। अब आज भी इतना अरसा गुजरने के बाद जब भी कोई मुसलमान मिना के मैदान में जाता है, तो मिना के मैदान में वो जो अरकान हज हैं, उन्हीं अरकान हज में से एक रुकन क्या है, कुर्बानी, कि वो भी कुर्बानी करे। और हमने उन्हें इसहाक की बशारत दी जो नबी और नेक बंदों में से थे, और हम उन पर और इसहाक पर बरकत और हमने उन पर और इसहाक पर बरकत नाजिल की, और उनकी औलाद में बाज नेक किरदार और बाज खुल्लम खुल्ला अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले हैं। और हमने, अब यहां से जनाब मूसा और हारून का तस्करा है, बस यहीं के ऊपर हम आज बात तमाम करते हैं, और 5 मिनट यहां के ऊपर जो अपने पास हैं उनमें आज की विलादत की मुनासिबत से
कुछ बातें आपकी खिदमत बयान करते हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। जी अगर कोई सवाल आपका हो तो आप फरमाइए ताकि सवाल न रह जाए, पहले सवाल मुकद्दम है। शायद कोई सवाल आप लोग जहन में लेकर आए हो या वैसे आपको कुछ मालूम करना हो तो पहले सवाल हो जाए। जी बिस्मिल्लाह फरमाइए। कोई सवाल नहीं जी। इनका सवाल ये था कि अगर एक शिया दूसरे शिया के ऊपर दूसरे शिया का मजाक उड़ाए, बात हो रही थी काफिर और मोमिन के मजाक उड़ाने की, के काफिर मोमिन का मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये ईमान लाए हैं, ये मोमिन है, ये मुसलमान है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, लेकिन मोमिन उन के मजाक के मुकाबले में क्या करता है, सब्र अख्तियार करता है। लेकिन दुनिया में तो नहीं देख पाएगा, लेकिन आखिरत में इसका उल्टा होगा। आखिरत में मोमिन उसको बुलाएगा, ए भाई दुनिया में तो बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, कहाँ हो, जबकि वो नहीं देख पाएगा, जब ये बुलाएगा तो देखेगा ये, अरे ये तो मेरा वही भाई है जिसके मैं साथ रहा करता था, जिसका मजाक उड़ाता था, आज देखो ये कहाँ और मैं कहाँ। तो अब इनका सवाल ये था अगर एक शिया दूसरे शिया का मजाक उड़ाए, बिल्कुल सही है, अगर एक शिया दूसरे शिया का मजाक शिया होने के नाते उड़ा रहा है कि देखो ये नमाज के ऊपर लगे हुए हैं, अमा मौला अली के तो मोहब्बत काफी है, काहे के लिए नमाज पढ़ रहे हो, नमाज के लिए लगे हुए हैं, देखो ये रोजे के ऊपर लगे हुए हैं, देखो ये इसके ऊपर लगे हुए हैं, देखो वो इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो अगर एक इंसान दूसरे इंसान का मजाक इस लिहाज से दीन के लिहाज से उड़ा रहा है तो यकीनन कोई शक नहीं है कि उसको भी उसकी सजा मिलेगी। किसी भी मोमिन को, किसी भी मोमिन का किसी भी लिहाज से मजाक उड़ाने का, ये तो दूर की बात है कि आप ईमान का मजाक उड़ाओ, शिया होने का मजाक, मोमिन होने का मजाक, नमाजी होने का मजाक, रोजा रखने का मजाक। बहुत से लोग रमजान में रोजों का मजाक उड़ाते हैं, अरे साहब अपने को अल्लाह ने ऐसा थोड़े कि दिया नहीं है तो हम ना रोजा रखें, वो ये रोजे वो रखे जिनको अल्लाह ने दिया नहीं है, जो भूखे हैं, हमको तो अल्लाह ने बहुत दिया है, हम रोजा नहीं रखेंगे। तो रोजेदारों का मजाक। तो इस तरीके से अगर वाकयन कोई दीन के किसी मुसल्लमात में से किसी का मजाक उड़ाता है तो वो सख्त अजाब का मुस्तहिक है। ये तो अलग, यहां तक के मोमिन के लिए हुक्म है कि तुम अपनी आंखों के इशारों से भी मोमिन का मजाक ना उड़ाओ। जिस तरीके से कभी कभी हम जैसे करते क्या है कि मतलब बैठे हुए हैं और आपको मुखातब करने के लिए हमने कहा ये, और हमारा मकसद क्या है, शब्बीर भाई का मजाक उड़ाना, और हम आपको मुतवज्जे कर रहे हैं कि देखो शब्बीर भाई को। तो ये अगर आंखों से भी मजाक उड़ाया है तो ये आंखों का मजाक भी हमसे जवाब तलब किया जाएगा कि तुमने आंखों के इशारे से किसी का मजाक क्यों उड़ाया तुमने। तो मोमिन दूसरे शिया की बात हो रही है, ये आम जी एक मोमिन की बात हो रही है कि किसी भी मोमिन, किसी भी मोमिन, आम मोमिन का, वो तो जितना आप मर्तबा बढ़ता जाएगा उतना उड़ता है। एक मर्जा का मजाक उड़ा हो तो उससे ज्यादा, एक इमाम का मजाक उड़ा हो तो उससे ज्यादा, एक रसूल का मजाक उड़ा हो तो उससे ज्यादा सजा है। ये तो दर्जे जितने हैं बुलंद होते जाएंगे उतना ज्यादा अजाब में इजाफा होता चला जाएगा। जी और बस आज की जो तारीख है बाबुल हवायज हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, बस का कमाल यही है कि खुद करबला में जनाब अब्बास का भी मजाक उड़ाया गया है, ताने दिए गए हैं। ये ताना देना क्या मतलब था, ये मजाक ही तो उड़ाना था। शिम्र ने जनाब अब्बास को ताने दिए हैं, मजाक उड़ाया है, और खुद जो इख्तदार और हुकूमत और दौलत और माफी और सब कुछ तो लेकर आया था कि सब कुछ तुम्हारे लिए मौजूद है आ जाओ, लेकिन जनाब अब्बास की जो वफा है उस वफा का कोई जवाब नहीं है।
जनाब अब्बास यानी विलादत से लेके और शहादत तक जनाब अब्बास ने जो किरदार पेश किया है, आम तौर से जो जनाब अब्बास की शख्सियत है वो सिर्फ शुजाअत की हैसियत से सामने आती है, और हमारा तसव्वुर ये होता है या हम ये समझते हैं कि जनाब अब्बास एक बहुत शुजा थे, बस खाली शुजा ही नहीं थे, जनाब अब्बास जितने बड़े शुजा थे उतने ही बड़े साबिर थे, और ये दोनों सिफतें एक जगह हो ये बड़ा मुश्किल है। शुजा यानी बहादुर होने के साथ साथ कोई साबिर भी हो यह बड़ा मुश्किल है। सोचता है कि हमको तो कुव्वत है, ताकत है, इख्तियार है, सब कुछ पावर है, हम काहे के लिए इनसे दबे, काहे के लिए डरे, क्यों ना हमला कर दें, क्यों ना इनको दबाएं। और इन तमाम कुव्वत और ताकत और इख्तियार के बावजूद मौला के हुक्म का ताबे होना यह कमाल है कि अगर मौला ने कहा है कि नहीं तो नहीं, अगर मौला ने कहा कि हां तो हां। जनाब अब्बास का कमाल यही है कि जनाब अब्बास ने विलादत से लेके और शहादत तक कोई एक काम भी मौला के हुक्म के खिलाफ नहीं किया है, और हमेशा आपकी नजर मौला के ऊपर रहती थी कि मौला की रजा किसमें है, जिसमें मौला की रजा उसमें अब्बास की रजा, और जिसमें मौला की नाराजगी उसमें अब्बास की नाराजगी। इसी सिफत ने जनाब अब्बास को उस मंजिल पे पहुंचाया कि जहां मासूमीन ने आपको सलाम किया है, जहां शुहदा के ऊपर आपको फख्र हासिल है, सबकत हासिल है, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कयामत के दिन मेरे चचा अब्बास के मकाम और मर्तबे को देखकर अव्वलीन और आखिरीन के शोहदा रश्क करेंगे कि काश ये मकाम हमें मिला होता। जनाब आदम से लेके और आखिर तक जितने भी शहीद हुए हैं सब जनाब अब्बास के मकाम को मर्तबे को देखकर जो जनाब अब्बास की शान होगी आखिरत में, जो जन्नत में उनका मकाम होगा, उस मकाम को देखकर फख्र करेंगे, गिप्ता करेंगे, रश्क करेंगे कि काश ये मकाम हमें मिला होता। आइए इसी बाबुल हवाइज के वास्ते से जनाब खुद अब्बास का मतलब भी बहादुर होता है, अब्बास यानी बहादुर, उसी बाबुल हवाइज के वास्ते से दुआ है माबूद हाजरी ने महफिल और हाजरी ने दर्स की दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा, सब की मुश्किलात को आसान फरमा, सब के उमूर की इस्लाह फरमा, सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। एक मरतबा सूरह हब की तिलावत फरमा कर जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया फरमा दें। بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما।